नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज ओडिशा कांग्रेस के तरफ से 6 घंटों का ओडिशा बंद किया गया है। हमारे मलकानगिरी के रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। आइए देखते हैं मलकानगिरी से विमल छत्री की ग्राउंड रिपोर्ट। आज जैसे कि मलकानगिरी का कांग्रेस की तरफ से स्ट्राइक किया गया है सवेरे 6 बजे, 6 से दोपहर 12 बजे तक। तो आइए हमारे जो टाउन सेक्शन है राव जी उनसे रूबरू करते हैं, आखिर किस वजह से और किन कारणों से मलकानगिरी में ये स्ट्राइक की गई है। अब तो देखे वो कितना दिन का पहले उड़ीसा का ममता मेहर उसका जो हत्या हुआ है, हम लोग सीबीआई का जांच करना बोल रहे हैं। दिव्य शंकर मिश्र जो कि गृह मंत्री है उनको हम लोग अरेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जब तक उनको अरेस्ट नहीं करेंगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा आज 12 बजे तक स्ट्राइक रखा गया है, तो आपको क्या लगता है आखिर इससे कुछ बदलाव आएगा, कोई फर्क आएगा, कुछ बातें बनेंगी जिन बातों के लिए ये आंदोलन किया गया है, आप कृपया बताना चाहेंगे? जरूर बताना चाहेंगे। ये हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट एक आदेश दिए हैं कम समय में तुम आंदोलन करो, जो भी है जांच करा जाएगा। तो हाईकोर्ट का आप लोग आदर परत करते तो हम लोग 6 घंटा का बंद पालन किए हैं। देखते हैं आगे अगर कुछ होता है तो देखते हैं, अगर नहीं होता है तो आंदोलन फिर दोबारा चालू होगा। जैसे कि आज मलकानगिरी आप जानते हैं कांग्रेस स्ट्राइक के सवेरे 6 बजे से 6 से दोपहर 12 बजे तक, तो ये देखिए मलकानगिरी का नज़ारा, आपको हर दुकान बंद नज़र आएगा, सिर्फ मेडिकल स्टोर ही खुला गया है।